हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों, ढाका में कल ही पहुंच चुका हूं, आपने पिछले ब्लॉग में देखा। और दादाजी ने कितने भव्य स्वागत किए, जबरदस्त तरीके से स्वागत किए, वार्म वेलकमिंग किए। कई जगह गए हम, खाना पीना हुआ, बहुत शानदार हुआ। और दादाजी ने आज ये टी शर्ट दिए हैं फैमिली साइकिलिस्ट का। और आज हम दादा के साथ जा रहे हैं बाहर घूमने, ढाका यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, संसद भवन, जा रहे हैं, पार्लियामेंट जा रहे हैं, और पुरानी जो ढाका है और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहां पे हम जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं दादाजी के साथ। और यूनिवर्सिटी में बाकी जो स्टूडेंट है, कुछ लोग स्टूडेंट है और भी कई लोग हैं, वो मिलना चाह रहे हैं, तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं, क्या दादा? ओके, तो चलते हैं। तो गाइज, हम दिखाते हैं इस फ्लोर से ढाका कैसा दिखता है। ये मुफज्जल दादा का घर है, और यहाँ से इस फ्लोर से बांग्लादेश जो ढाका है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो गाइज, अब हम लोग निकल चुके हैं और भैया जो हैं वो आगे हमसे बढ़ रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। ये है बांग्लादेश की गलियाँ। तो गाइज, अब मैं बाहर निकल चुका हूँ और मेन रोड पे आ गया हूँ। तो गाइज, अभी हम पहुँचे हैं लिबरेशन वार म्यूज़ियम। और ये 1970 के समय में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो जो शहीद हुए थे सैनिक, उनके याद में ये म्यूज़ियम बनाया गया है। ये यहाँ पे है और हम देख रहे हैं। ये तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं पार्लियामेंट जो बांग्लादेश का है, और आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत है। तो वाकई में बांग्लादेश का भी पार्लियामेंट हो गया या फिर प्राइम मिनिस्टर आवास हो गया, बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है, जो आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं और थोड़ा देर यहाँ पे हम बैठेंगे, दादा भी, मुफज्जल दादा जो मेरे साथ में है, और बिल्कुल खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। तो गाइज, हम लोग इस समय हैं ढाका यूनिवर्सिटी के आसपास और देख रहे हैं कि कुछ साइकिलिंग कम्युनिटी के लोग हैं, लाइक फैमिली साइकिलिस्ट और अदर साइकिलिंग ग्रुप। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं ढाका नर्सिंग कॉलेज ढाका। तो मैं हूँ इस समय ढाका यूनिवर्सिटी में और मोहसिन हॉल और यहाँ पे फुटबॉल का मैच चल रहा है, देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो अलग लेवल का यहाँ पे क्रेजीनेस दिख रहा है, जो आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में मैच चल रहा है और 99+ चांस है ब्रिटेन का जीतने का, क्योंकि वो 5-1 से आगे चल रहा है। और लोग पूरे बांग्लादेश में इस फीफा वर्ल्ड कप का दीवाना हो चुके हैं। हर जगह अर्जेंटीना और ब्राज़ील का झंडा, फ्लैग पूरे बांग्लादेश में सजा हुआ है, लगा हुआ है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो लोग अर्जेंटीना ब्राज़ील का टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, अपने घरों में सजाए हुए हैं, घरों को सजाए हुए हैं, कॉलेज को सजाए हुए हैं, डिपार्टमेंट्स, हॉस्टल्स, सब जगह पूरे इस जो वर्ल्ड कप मैच हो रहा है उसके जो पसंद है इनका जो टीम है अर्जेंटीना ब्राज़ील उसका लगाए हुए हैं। Not trying to hit that too hard.
तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं इस समय ढाका यूनिवर्सिटी। और गाइज रात के 8 बज रहे हैं और यूनिवर्सिटी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और गाइज आपको बता दूं कि अभी इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ ईरान के साथ मैच चल रहा है, तो लोग जो हैं सभी लोग टीवी से चिपके हुए हैं, तो इसलिए कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। और यहाँ पे अर्जेंटीना का टी शर्ट और बाकी चीज़ें भी दिख रहा है। देखिए लिखा हुआ ढाका यूनिवर्सिटी। तो गाइज ये ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स हॉस्टल है, एक काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा तो मैंने इंडिया में भी नहीं देखा था। तो हम इस एरिया में जा रहे हैं, अंदर पार्किंग का एरिया में, और आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं ढाका यूनिवर्सिटी का जो मेन लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, वहां पर पहुंच चुके हैं। और देखिए एक टीचर है यहां पे, ये काफी और गाइज इस जगह का नाम है हाकिम चत्तर, इस सेंट्रल लाइब्रेरी जो है। और देख रहे हैं यहां पे काफी मतलब गैदरिंग है, लोग काफी यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं सभी स्टूडेंट हैं। और ऑलरेडी मतलब फुटबॉल का जो मैच है वो ख़त्म हो चुका है, तो बैडमिंटन और भी जो करिकुलम जो है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिटी ढाका यूनिवर्सिटी है, उसके कॉर्नर पर पहुंचा हूं। अभी यूनिवर्सिटी से मैं बाहर निकल चुका हूं और यहां पे दादा के साथ बैठा हुआ हूं। और पूरे बांग्लादेश में फीफा जो वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, उसका फीवर पूरा बांग्लादेश पे चढ़ चुका है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि अर्जेंटीना मेसी का लगा हुआ है और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा इसके द्वारा जो नगद यहाँ पे है, लेन देन होता है, उसके द्वारा ये पूरा डेकोरेशन किया गया है। बहुत शानदार है ये जगह। और यूनिवर्सिटी के जो भी लोग हैं इस जगह पे अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करके डिस्कशन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आज दिन भर इस तरह से बीता, काफ़ी जगह हम गए तो बहुत अच्छा लगा। और लोगों से मिल रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग मिले तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गाइज हम अभी पहुंचे हैं ढाका यूनिवर्सिटी मूर्ति चौक के पास, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के जो हिस्टोरियन हैं उनकी यहाँ पे तस्वीर है। मैं इस जॉर्ज हैरिसन है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं मूर्ति से नहीं पहचान सकता। तो हम यहाँ पे अभी पहुँचे हैं और जो साइकिलिंग ग्रुप है, फैमिली साइकिलिंग, और भी यहाँ पे कुछ ग्रुप के लोग हैं, तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं। और ये चौक बहुत शानदार है, आप देख रहे हैं कि इतना फुल अभी फुल दिख रहा है। और जो भी बांग्लादेश के हिस्टोरिकल पर्सन हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो भी रहे हैं वो सबका यहाँ पे उनका तस्वीर इस चौक के पास लगाया गया है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस जगह पे आया और
इस जगह पे आया और देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये दादा हैं जिनके साथ मैं पूरा दिन घूम रहा हूँ, इनके साथ तो काफ़ी सुंदर है और नाइट व्यू और भी अच्छा लगता है। और भी दूसरे पॉइंट भी है लेकिन हम यहीं से कैच कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये साइकिलिंग ग्रुप अलग अलग। तो दोस्तों अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बहुत लंबा तो नहीं बोल सकते हैं, 10 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी रात हो गई है, 11 बज चुके हैं और अब हम लोग लौट रहे हैं दादा के घर।